हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कैनेडा। सो आप सभी लोगों के फॉर्म्स यूजीसी नेट 2023 जिसका एग्जामिनेशन जून में शेड्यूल्ड है उसके आ जाने चाहिए थे, बट फॉर्म अपने निर्धारित समय से काफ़ी डिले चल रहा है क्योंकि फॉर्म के आने में, फॉर्म को भरने में, करेक्शन विंडो के प्रोसेसिंग में लगभग एक महीने का वक्त जाता है। तो ये टाइम ऑलरेडी काफ़ी निकल चुका है या कहें डिले हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी के माइंड में एग्जामिनेशन पोस्टपोन या शिफ्ट होने की जो एक बात आ रही है माइंड में, क्योंकि इसके ऊपर मैं काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं और स्टूडेंट्स कॉल करके भी पूछ रहे हैं, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो उसके ऊपर मैं बना करके आप लोगों को कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ कि हाई चांस है, पॉसिबिलिटी है और ये नॉर्मल है कि हो सकता है कि जो आप लोगों का जून में डेट दिया गया है 13 जून से लेकर के 20 जून का जो डेट है जब एग्जामिनेशन आपका UGC ने या INT ने कहा है कि वो कंडक्ट कराएगी, वो आगे शिफ्ट हो सकता है। यानी कि वो जून लास्ट में भी जा सकता है या वो जुलाई की फर्स्ट वीक में भी जा सकता है, क्योंकि फॉर्म आज हम लोग ये समझिए कि 4th of May में खड़े हैं और फॉर्म अभी तक आपके नहीं आए हैं, तो हाई चांस है कि फॉर्म आपके 10th May के पहले पहले तक नहीं आएंगे। आपके अभी सर्टिफिकेट्स भी नहीं है जिनका एग्जामिनेशन अभी हाल फिलहाल में हुआ है, जो JRF के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं वो किस बिहाफ पे प्रिपरेशन करें। तो चीज़ें देखिए अपने निर्धारित समय से डिले बिल्कुल चल रही हैं और बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है कि आप सभी के जो एग्जामिनेशन की जो डेट्स हैं वो जो टाइम INT ने दिया है या UGC ने दिया उसे वो आगे शिफ्ट कर सकती है, लेकिन उसको ऐसा नहीं है कि 2 या 3 महीने के बाद में कराएगी। जून के बीच का मतलब मिड ऑफ जून का टाइम दिया है तो वो लास्ट जून में आपके एग्जामिनेशन ले सकती है, जुलाई के फर्स्ट वीक में जा सकता है, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो एग्जाम कौन से डेट को होगा ये इस पर निर्भर करता है कि आपके फॉर्म्स कितना जल्दी आएंगे या कितना लेट में आएंगे। अगर आपके फॉर्म्स 10th या 15th May तक यानी कि मिड ऑफ मे तक आ जाते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जून, मिड जून में आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल होगा। ये तो तय है कि 13th May से एग्जामिनेशन आपका इम्पॉसिबल है लेना, क्योंकि आपके 21 दिन से लेकर के 25 दिन का जो टाइम रहता है वो फॉर्म को फिलअप करने का प्रोसेस रहता है, फिर 3 दिन आपके करेक्शन के लिए ओपन करते हैं और इस बीच में आपके कुछ नोटिफिकेशन भी आ जाती हैं, कुछ और भी एग्जामिनेशन जो है वो INT अपने एंड से कंडक्ट करा रहा है, वो भी एग्जामिनेशन क्लैश होंगे क्योंकि जून में ऑलरेडी शेड्यूल्ड है NEET PG का और कुछ कुछ आपके JEE के एग्जामिनेशन और कुछ कुछ और आपके और भी एग्जामिनेशन वो ले रहे हैं, क्योंकि INT सिर्फ UGC का एग्जामिनेशन नहीं लेता है, INT जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं सबके एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है। तो ऐसी सिचुएशन में हाई चांस है कि चीज़ों को आगे शिफ्ट हो सकता है। अब कितना आगे शिफ्ट होगा, अगेन मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है कि कब आपके फॉर्म्स आते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि इस पूरे मेन टाइम में हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, एज अ बींग एज अ एडुकेटर कह लीजिए या एज अ लर्नर कह लीजिए, क्योंकि मैं भी अपने आप को एक लर्नर की ही कैटेगरी में मानती हूँ और आप सभी लोग भी लर्नर ही हैं, तो हम, मेरा भी और आपका भी, हम दोनों का ही, हमारा ये सबका ये टारगेट होना चाहिए कि हमें अपने सिलेबस को टाइम से कंप्लीट करना है। अगर हमें 15 डेज का, 20 डेज का या 1 मंथ का अगर हमें मार्जिन मिल जा रहा है तो ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मिल रहा है, इस टाइम को आप यूटिलाइज करिए। यूटिलाइज ऐसे करिए कि आप पेपर 1 को पहले तो अपना अच्छे से पढ़ लीजिए पूरा डिटेल में, पेपर 2 आपका जो भी है उसकी भी प्रिपरेशन आप करते हुए चलिए, past 3 years की मेरिट को चेक कर लीजिए कि past 3 years के आपके सब्जेक्ट की मेरिट क्या जा रही है, INT की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मेरिट मिल जाएगी और मेरिट को मैंने टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है, ग्रुप है, उसमें भी शेयर किया हुआ है, वहां से आप मेरिट्स को देख लीजिए, अपने टारगेट्स को सेट करिए, अपनी स्ट्रैटेजी को बना करके आप लोग आगे बढ़िए। पेपर 1 कंप्लीट मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, करा दिया है, उसमें आपकी DI बची हुई है और रीजनिंग बचा हुआ है, वो मैं आप लोगों का 1-2 दिन में क्लास लगा करके उसको भी कंप्लीट कर दूंगी। पेपर 2 मैं खुद कॉमर्स आप लोगों को कराती हूँ, इनकेस अगर आप कॉमर्स में इंटरेस्टेड हैं, इनरोलमेंट लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे, जो नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पे कॉल करके अपना इनरोलमेंट करा सकते हैं। पेपर 1 इज कम्प्लीटली फ्री, सारे कॉन्टेंट अंग्रेजी हिंदी दोनों ही भाषाओं में मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया है, जो PDF आपको अभी रिसेंट क्लासेस हुई उनकी अगर नहीं मिली है तो वो मिल जाएंगी। एक्सप्लेनेशन आपको पूरा हिंदी इंग्लिश में दिया हुआ सब कुछ, तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जा करके सारी क्लासेस को, सारे वीडियोस को आप अपना प्रिपेयर कर लीजिए, देख लीजिए, सारी प्रिपरेशन को आप कर लीजिए, प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व कर लीजिए, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को कर लीजिए, तो ये 3-4 चीज़ों को आप लोग कर लीजिए। टाइम आपको मिल जा रहा है या मार्जिन अगर आपको मिल जाता है बीच में मेन टाइम में तो आप उसको यूटिलाइज करिए, उसको वेस्ट मत करिए। बाकी कोई भी ऐसा अपडेट होगा, जब भी फॉर्म्स आएगा मैं आपको अपडेट करूंगी। फॉर्म हाई चांस है कि 10th May के पहले तक तो नहीं आएगा, ये तो पक्की बात है, 10th May के बाद ही फॉर्म्स आएंगे और फॉर्म्स आने के बाद में 20 से 25 दिन का टाइम फॉर्म को फिलअप करने में जाएगा, 3 दिन करेक्शन विंडो के लिए आपको दिया जाएगा, ओपन किया जाएगा और फिर उसके बाद में 1 हफ्ते का बीच में मार्जिन रख सकते हैं क्योंकि तुरंत एग्जामिनेशन नहीं ले लेते हैं वो लोग, तो मिड जून या जून लास्ट में आपका एग्जामिनेशन शिफ्ट हो सकता है। तो ये कहना कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही नहीं होगा, शिफ्ट हो सकता है डेट्स,
जो कि नॉर्मल है, और लगभग ये कोई पहली बार नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो इंडिया हर बार यूजीसी के एग्जामिनेशन को 20 दिन 25 दिन आगे शिफ्ट करती आई है और करेगी। और हमें मालूम है कि यूजीसी साल में 2 बार एनटीए का नेट का एग्जामिनेशन लेती है। तो नेट का एग्जामिनेशन एक तो आपका जुलाई में होता है, दूसरा आपका दिसंबर में होता है। तो जो लोग दिसंबर के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जून वाला फॉर्म जरूर से भरिएगा, ताकि आप लोगों का अच्छे से एक बार आप लोगों को आइडिया मिल जाए कि एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है, ताकि अच्छे से तैयारी आपकी हो जाए। एक कॉम्पिटिशन का आपको एक फीलिंग जो है वो इस बार वाले जो अटेम्प्ट है उसको देकर के आपके अंदर में वो एक कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो जाए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होपफुली कि आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आए तो जाते जाते लाइक करके जाएगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा इस चैनल को। साथ ही साथ में बताते चले कि यूजीसी नेट से जुड़े तमाम अपडेट ऑथेंटिकेशन के साथ में मेरे माध्यम से, निकिशा पाली के माध्यम से आप सभी को शेयर किए जाते हैं। इसके अलावा पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं आप सभी लोगों के लिए कराती हूँ। पेपर 2 कॉमर्स है, एनरोलमेंट आप ले सकते हैं दिए गए नंबर पर कॉल करके। इसके अलावा कोई और भी डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, कंसर्न है, तो जरूर आप इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक चीज और जो मुझे आप लोगों को बतानी थी कि आप सभी लोग टेलीग्राम से जरूर से जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे ही मैंने हर एक क्लास की पीडीएफ को शेयर किया है। तो क्लास का जो भी अपडेट होता है, कब क्लास लगनी होती है, कैसे क्लास लग रही है या नहीं लग रही है, जो भी पीडीएफ है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, सारी चीजें मैं टेलीग्राम पे अपडेट करती हूँ। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेलकम अपनी क्लास में। टिल देन टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।